जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीएमए पर हम डिस्कशन कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपके पास एक एक कर शेयर होती रहेंगी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएमए पर हम क्या मुद्दा डिस्कस करेंगे कि सर इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दें ताकि हम ये पता कर पाएँ कि हमें उन सब्जेक्ट से कितना रिश्ता नाता बेहतर जुड़ा हुआ। तो गाइस, सीएमए में तीन लेवल्स होते हैं आपके। लेवल वन सीएमए फाउंडेशन में आपके चार सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आपको नाम से पता है कि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट क्या होते हैं। इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में जो आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है वही आती है, और अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम से तो ये इकोनॉमिक्स इतनी कठिन नहीं होती, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता था, सब्जेक्टिव वे में रहता था, और यहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव वे में रहेगा। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट जो है वो भी अगेन आपने 11th और 12th में जो बिजनेस स्टडी पढ़ी है उसमें कुछ सिलेबस बीबीए का ऐड कर दिया जाता है, और ये आपका मैनेजमेंट का 50 मार्क्स का सिलेबस बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अकाउंटिंग के साथ कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग भी जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका बेसिकली कोर्स भी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही बिलोंग करता है। तो अकाउंटिंग आपकी 80 मार्क्स की आती है और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी 20 मार्क्स की आती है। अकाउंटिंग आपकी क्लास 11th वाली और बीकॉम फर्स्ट ईयर से कुछ चैप्टर्स उठा लिए गए हैं जो कि आपके नॉर्मल नॉमन क्लेचर पर है। बेसिक अकाउंटिंग है, रियल पर्सनल अकाउंट की नॉलेज है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में ज्ञान देता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या क्या आगे सीखेंगे सीएमए इंटर में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका दैट इज ऑलवेज एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये सब्जेक्ट आपका सीए या हो या सीएमए हो या सीएसओ, तीनों में ही कॉमन चलता है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स। 70 मार्क्स की लॉ आती है और 30 मार्क्स की एथिक्स आती है। लॉ में आपको बेसिकली तीन एक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपकी फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे, ना आपने 11th में पढ़ा है ना 12th में पढ़ा है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से लिए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तीनों इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं जो कि आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देते हैं बिजनेस लॉ पढ़ने की। एथिक्स बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है जो कि आपकी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस एग्जाम को क्लियर करवाने में। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही कॉमर्स वाले बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपकी क्लास 5th, 6th, 7th, 8th वाली है। रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंडेसिस, लॉगरिथम और एक दो चैप्टर नए डाले गए, दैट इज सेट्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो आपने अगेन क्लास 11th में पढ़ रखी है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो। स्टैटिस्टिक्स में आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोरिलेशन रिग्रेशन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन और बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम क्या होता है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वे में आपसे पूछे जाते हैं। फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल मिलता है दैट इज सीए इंटरमीडिएट। वहाँ पर आपके कोर्स को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहले ग्रुप में आपके रखे जाते हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन डायरेक्ट टैक्स एंड देन आपका कॉरपोरेट लॉ एंड एथिक्स। सिंपल सा प्रोसीजर यही होता है कि ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने थोड़े टाइम पहले फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्ट टैक्स नया ऐड हो जाता है जो कि आपको इनकम टैक्स की ब्रीफ नॉलेज देता है बहुत अच्छे लेवल पर, जो कि आपको बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस को मिलाकर बनाया गया है। इसके जो ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स हैं वो कभी ग्रुप टू में और ग्रुप टू के कभी ग्रुप वन में चले जाते हैं एज पर द शेड्यूल डिसाइडेड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देन ग्रुप वन क्लियर करने के बाद आप चाहो तो ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स देख सकते हो यहीं पर। ग्रुप टू में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, देन होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि अगेन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स लिए गए हैं, देन होता है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और इस पर्टिकुलर कोर्स की खूबसूरती को और बेहतर बना देता है, और लास्ट आपका सब्जेक्ट होता है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। बेसिकली आपको कंपनी में कैसे अकाउंटिंग करनी है, शेयर्स, डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से लेकर 5-6 चैप्टर्स का ये अच्छा सा सिलेबस बनाया गया है जो कि आपकी सीएमए इंटर ग्रुप टू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, इसको शायद अब ग्रुप वन में लिया जाएगा सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग। सीएमए इंटर क्लियर करने के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज सीएमए फाइनल। इसमें अगेन आपके दो ग्रुप होते हैं जिसमें आपके जो भी आपने सीएमए इंटर में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है आपको,
एक डीप क्लैरिटी रहती है कॉन्सेप्ट की और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा सीएमए इंटर के मुकाबले तगड़ा रहता है। इसमें जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका कॉरपोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, मतलब कंपनी लॉ को इस एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ से वाकिफ कराया जाता है कि कंपनी में किस तरीके से लॉ कंप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सीएमए इंटर में, तो यहाँ पढ़ते हो आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एडवांस वर्जन को, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से वाकिफ कराया जाता है, बहुत हद तक सिक्योरिटाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि फाइनेंशियल लेवल में अपने आप में एक एक्स्ट्रा लेवल होता है और करियर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सीएमए का कोर्स है आपका, तो आपको कॉस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए एक सब्जेक्ट आता है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जो पहले कर रखी है सीएमए इंटर में, उसका एडवांस लेवल पर डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हुए बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को कब बंद कर देना चाहिए, बंद करने से क्या घाटे होंगे और बंद करने के क्या फ़ायदे होंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज, मतलब जो भी आपने इनकम टैक्स अपने सीएमए इंटर ग्रुप वन या ग्रुप टू में पढ़ रखा है उसको आपको एडवांस लेवल पर यहाँ पढ़ाया जाता है डायरेक्ट टैक्स लॉज में। ये सीएमए फाइनल लेवल ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है फाइनल लेवल ग्रुप टू, तो अगेन मैंने बोला जो भी सीएमए इंटर में पढ़ाया आपने उसी को एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ आपको इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के अंदर जीएसटी और कस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो भी आपने अकाउंट्स जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेकर और सीएमए इंटर ग्रुप टू में कंपनी अकाउंटिंग में पढ़ा है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ने को मिलेंगी। और जो कोर्स है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसकी ऑडिटिंग के लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया गया जो कि ना तो सीएमए होता है, ना सीएमए में होता है, ना सीएस में होता है, वो जहाँ सीएमए में रखा जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से। इसी सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी के साथ कंपनीज में जॉब मिलती है और आप अपने फर्म से ऑफिस खोल सकते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जो आपका आता है दैट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, जिसको अलग से एक की एस्पेक्ट पर बनाया गया सब्जेक्ट है, जो कि अगेन आपका ना सीएमए ना सीएस में डायरेक्टली पूछा जाता है बट इनडायरेक्टली वहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर आपका पूरा एक मेजर सब्जेक्ट बनाकर आपको बहुत सारी नॉलेज देता है। ये 20 सब्जेक्ट्स के साथ हमने अपनी सब्जेक्ट वाइज सीरीज कंप्लीट करी है सीएमए की। इन सब्जेक्ट्स की और डिटेल्ड वीडियोज आपको जल्द ही मिलेंगी और ये सीएमए की सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को और फ़ायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।